आज गुल्ली और बुल्ली साथ में पबजी खेल रहे थे। गुल्ली और बुल्ली को गेम खेलते हुए काफ़ी देर हो जाती है, तभी वहाँ पे सोन आ जाता है। सोन ने गुल्ली और बुल्ली से कहा कि चलो आज फिल्म देखने जाते हैं। फिर बुल्ली ने कहा चलो जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। गुल्ली ने कहा कि वो सब तो ठीक है, पर हम कौन से थिएटर में फिल्म देखने जाने वाले हैं। सोन ने कहा कि वही थिएटर जो जंगल के पास है। गुल्ली ने कहा हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। लोग कहते हैं कि वो जंगल हॉन्टेड है और वहाँ पे जो जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। लोग कहते हैं उस जंगल में ग्रैनी रहती है। सोन ने कहा ग्रैनी बेनी कुछ नहीं होता, और अगर ग्रैनी मेरे सामने आई तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊँगा। फिर गुल्ली बुल्ली और सोन फिल्म देखने के लिए घर से निकल जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन फिल्म देखने तो निकल जाते हैं, पर उनको पता नहीं था वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। वो लोग जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि रॉर उधर खड़ा था। तभी गुल्ली गाड़ी रॉर के पास ले जाता है। तभी गुल्ली ने कहा कि क्या हुआ रॉर, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तभी रॉर ने कहा मेरी वैन खराब हो गई है, पता नहीं मैं घर पे कैसे जाऊँगा। सोन ने कहा हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, चलो हमारे साथ तुम भी फिल्म देखने। गुल्ली ने कहा हाँ, फिल्म देखने के बाद हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। रॉर मान जाता है और वो भी गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ फिल्म देखने चला जाता है। जंगल में बहुत ही अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल में से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी ही देर में वो लोग थिएटर में पहुँच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉर फिल्म देखने के लिए बैठ जाते हैं। उन लोगों को फिल्म देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी ही देर में इंटरवेल हो जाता है। सोन सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे लेके आता है। इंटरवेल के बाद थिएटर में गाना बजने लगता है और वो लोग डांस करने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉर फिल्म देख के वापिस घर जा रहे थे। गुल्ली ने कहा कि आज तो पिक्चर देखने का मजा आ गया, और सोन ने कहा हाँ, वो हीरो ने क्या जबरदस्त फाइटिंग की है, एक नंबर। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉर मस्ती करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है। बुल्ली ने कहा गाड़ी क्यों रोक दी। गुल्ली ने कहा मैंने नहीं रोकी है, अपने आप रुक गई है। फिर गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर बहुत बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी चालू नहीं होती है। तभी सोन ने देखा वहाँ एक घर है। सोन ने कहा आज रात को हम वहाँ पे रह सकते हैं। गुल्ली ने कहा वो बहुत पुराना घर लग रहा है, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई रह रहा होगा। तभी घर का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। सोन ने कहा वो देखो दरवाज़ा खुला, ज़रूर इस घर में कोई तो रहता ही होगा, रुको मैं पूछ के आता हूँ। सोन घर की तरफ आगे बढ़ता है और घर के अंदर चला जाता है। तभी घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। काफ़ी देर हो जाती है पर सोन बाहर नहीं आता। गुल्ली बुल्ली और रॉर इंतज़ार करते हुए थक जाते हैं। तभी सड़क पे से एक अंकल जा रहे होते हैं। अंकल गाड़ी गुल्ली बुल्ली और रॉर के पास रोकते हैं। अंकल ने पूछा तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। गुल्ली ने कहा हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए हमारा दोस्त सोन उस घर में गया है कि आज रात यहाँ रहने की शायद हमें जगह मिल जाए। अंकल ने कहा तुम्हारा दोस्त अब कभी वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रैनी का घर है, जो इस घर में जाता है वो वापस लौट के कभी नहीं आता है। अंकल ने कहा कि तुम लोग भी चले जाओ वरना ग्रैनी तुम्हें भी मार डालेगी। इतना कहते ही अंकल वहाँ से चले जाते हैं। अंकल की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और रॉर बहुत ही डरे हुए थे। गुल्ली कहता है मैंने पहले ही कहा था हमें इधर नहीं आना चाहिए था, अब हम लोग क्या करेंगे। तभी गुल्ली का फोन बजता है। गुल्ली फोन पर सोन का नाम देखते ही डर जाता है। गुल्ली ने रॉर और बुल्ली से कहा कि सोन का कॉल आ रहा है। तभी बुल्ली ने कहा जल्दी सोन को बाहर आने के लिए बोलो, नहीं तो हमें हमारा एक दोस्त खोना पड़ेगा। गुल्ली कॉल उठाता है। तभी सोन ने कहा कि तुम सब लोग अंदर आ जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है, ये पूरा घर खाली है, हम सब लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तभी गुल्ली ने कहा तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर आ जाओ, तुम जिस घर में हो उस घर में ग्रैनी रहती है,
अगर ग्रैनी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। शॉन गुल्ली की ये बात सुनके जोर जोर से हंसता है और गुल्ली को कहता है, मुझे ग्रैनी से नहीं बल्कि ग्रैनी को मुझसे डर लगता है। गुल्ली ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ग्रैनी बहुत ही खतरनाक है और मैंने तो ये भी सुना है कि ग्रैनी के साथ ग्रैंडपा भी इस घर में रहते हैं और वो दोनों इंसानों को खाते हैं। शॉन और जोर जोर से हंसता है और कहता है, वो बुढ़ा बुढ़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा की किस्मत अच्छी है कि वो लोग मुझे नहीं दिखे, वरना दोनों को मैं दौड़ा दौड़ा के मारता। तभी शॉन को कमरे में से कुछ गिरने की आवाज आती है। शॉन ने गुल्ली से कहा कि 2 मिनट फोन चालू रखना, लगता है घर में कोई बिल्ली घुस आई है। शॉन कमरे में जाता है पर उधर कोई नहीं होता। पर शॉन को पता नहीं था कि दरवाजे के पीछे ग्रैनी छुपी हुई है और शॉन की सारी बातें सुन रही है। शॉन की ये सब बातें सुन के ग्रैनी को बहुत ही गुस्सा आता है। धीरे धीरे करके ग्रैनी शॉन के पीछे आ जाती है। ग्रैनी ने शॉन के कंधे पे हाथ रखा और शॉन को आवाज दी। शॉन के होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि ग्रैनी उसके सामने ही खड़ी है। शॉन जोर जोर से चिल्लाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। शॉन सीढ़ी उतरता है, तभी उसने देखा कि उसके सामने वापस ग्रैनी आ गई है। ये सब देखकर शॉन बहुत ही डर जाता है। यहाँ पर गुल्ली का फोन चालू ही था और गुल्ली शॉन की चिल्लाने की आवाज फोन पे ही सुन रहा था और अचानक फोन कट जाता है। गुल्ली वापस फोन लगाने की कोशिश करता है पर शॉन का फोन स्विच ऑफ हो गया था। गुल्ली ने कहा, अब हम क्या करेंगे। तभी रॉर कहता है कि हम लोगों को अंदर जाना ही होगा। गुल्ली बहुत ही डर जाता है और कहता है कि हम लोग अंदर गए तो ग्रैनी हमें भी मार डालेंगी। तभी गुल्ली रॉर और बुल्ली से कहता है, चाहे हमारी जान भी चली जाए पर हम लोग शॉन को बचा कर ही रहेंगे। इतना कहते ही गुल्ली बुल्ली और रॉर घर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली ने धीरे से दरवाजा खोल के देखा, वहां पर कोई नहीं था। गुल्ली ने रॉर और बुल्ली से कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है, हम लोग जल्दी से ऊपर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉर धीरे धीरे करके ऊपर के कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं और वो लोग कमरे में चले जाते हैं। कमरे में गुल्ली बुल्ली और रॉर ने देखा कि शॉन वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। गुल्ली बुल्ली और रॉर शॉन को होश में लाने की कोशिश करते हैं पर बहुत कोशिश करने के बाद भी शॉन होश में नहीं आता है। बुल्ली ने कहा, हमें शॉन को उठा के जल्दी से ले जाना होगा, ग्रैनी यहाँ पर कभी भी आ सकती है। अगर ग्रैनी ने हम सबको भी इधर देख लिया तो ग्रैनी हम सबको मार डालेगी। रॉर ने कहा कि मैं पहले दरवाजे के बाहर देख के आता हूँ। रॉर दरवाजे के बाहर देखने जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रॉर ने गुल्ली और बुल्ली से कहा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम लोग शॉन को उठा के जा सकते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉर किसी भी तरह से शॉन को बचाना चाहते थे। गुल्ली और बुल्ली शॉन को उठा लेते हैं। तभी दरवाजा अपने आप खुलता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन के होश उड़ जाते हैं। जब वो लोग देखते हैं दरवाजे के पीछे और कोई नहीं बल्कि ग्रैनी आई हुई है। देख लेते हैं तो ग्रैनी गुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही ग्रैनी गुल्ली को मारने जाती है, गुल्ली से ये सब देखा नहीं गया और गुल्ली ने जान की परवाह किए बिना ग्रैनी को जोरदार लात मार देता है। ग्रैनी गुल्ली की लात से नीचे गिर जाती है। ग्रैनी बुल्ली का हाथ का मार खा के और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुल्ली को जोर जोर से मारने लगती है। तभी बुल्ली वापस ग्रैनी को जोरदार एक चांटा लगाता है। बुल्ली के हाथ का वापस चांटा खा के ग्रैनी का गुस्सा आसमान पे पहुंच जाता है। लगता है आज कोई बच के नहीं जाएगा और ग्रैनी कुछ भी देखे बिना सबको पीटने लगती है। पर ग्रैनी जैसे ही रॉर को मारने जाती है, रॉर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ग्रैनी को बर्फ में जमा देता है। तभी रॉर गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, हमें बाबा को जल्दी बुलाना होगा, अब बाबा ही हमारी जान बचा सकते हैं। ग्रैनी पर जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। ये देख के रॉर कहता है, हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना होगा, ग्रैनी कभी भी बर्फ तोड़ के बाहर आ सकती है। तभी ग्रैनी अचानक बर्फ तोड़ के बाहर आ जाती है। गुल्ली बुल्ली और रॉर शॉन को उधर ही फेंक के भागने लगते हैं। तभी दौड़ते दौड़ते रॉर अचानक सीढ़ियों से फिसल जाता है। गुल्ली और बुल्ली रॉर की मदद करने के लिए वापिस ऊपर जा रहे थे पर रॉर कहता है, तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, जल्दी से जल्दी बाबा को बुला के लाओ। इतनी देर में गुल्ली और बुल्ली देखते हैं कि ग्रैनी भी पीछे से आ रही है और गुल्ली और बुल्ली भागने लगते हैं।
तभी अचानक उनके सामने ग्रैंडपा आ जाता है। ग्रैंडपा को अपने सामने देख के गुल्ली और बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। तभी बुल्ली ग्रैंडपा से कहता है कि वहाँ पीछे देखो, वहाँ कुत्ता भाग रहा है। ग्रैंडपा पीछे घूम के देखते हैं। ग्रैंडपा का ध्यान गुल्ली और बुल्ली से जैसे ही हटा, तभी बुल्ली ग्रैंडपा को एक जोरदार चांटा लगाता है। ग्रैंडपा को चांटा लगा के भाग जाते हैं। ये सब देख के ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आया और ग्रैंडपा गुल्ली और बुल्ली को मारने की कसम खाते हैं। और गुल्ली और बुल्ली वहाँ से ग्रैंडपा की ही गाड़ी लेके भाग जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली जल्दी से जल्दी बाबा के पास पहुँच जाते हैं। बाबा रात के 2 बजे डांस कर रहे थे। दोस्तों, बाबा की फिटनेस का यही तो एक राज है। बाबा गुल्ली और बुल्ली को देख लेते हैं और गुल्ली और बुल्ली से पूछते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। गुल्ली और बुल्ली बाबा को पूरी स्टोरी सुनाते हैं। उन लोगों ने कहा कि रॉर और शॉन को ग्रैनी और ग्रैंडपा ने पकड़ के रखा है। उन लोगों की जान को खतरा है। हम लोग जैसे तैसे बच के यहाँ पर पहुँचे हैं। बाबा ये सब बात सुनते हैं और गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, वो बुड्ढा और बुड्ढी की होशियारी बहुत ही बढ़ गई है, आज तो उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाबा अपना हेलीकॉप्टर निकालते हैं और गुल्ली और बुल्ली को बिठाकर ग्रैनी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। बाबा ग्रैनी के घर के सामने ही हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं और फिर हेलीकॉप्टर में से उतरते हैं। बाबा दौड़ लगाकर ग्रैनी के घर का दरवाजा तोड़ देते हैं। बाबा घर के अंदर जाते ही जोर से चिल्लाते हैं कि दम है तो बाहर आओ, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ग्रैनी और ग्रैंडपा बाबा को देखते ही घर के नीचे आते हैं। जैसे ही ग्रैंडपा बाबा के सामने आते हैं, बाबा ग्रैंडपा को जोर से चांटा लगाता है। ग्रैंडपा को जैसे ही बाबा का चांटा पड़ा, ग्रैंडपा के बचे हुए 4 दांत भी टूट जाते हैं। ये देखकर ग्रैनी को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी ग्रैनी गुस्से में बाबा को जोरदार किक मारती है। बाबा भी बहुत दूर जाके गिरते हैं। बाबा भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ग्रैनी पे पलटवार करते हैं और ग्रैनी को नीचे गिरा देते हैं। तभी बाबा के सर के पीछे कोई वार करता है। बाबा जैसे ही अपना सिर पकड़कर पीछे घूमते हैं, उसको देखकर बाबा के होश उड़ जाते हैं और बाबा कहते हैं तुम। बाबा के इतने बोलते ही वो बाबा के सर पर दूसरा वार कर देता है और बाबा बेहोश हो जाते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा बाबा को बेहोश देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। ग्रैंडपा उस आदमी से कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम हमारे सबसे वफादार साथी हो, तुम ना होते तो हम बाबा को कभी हरा नहीं सकते थे। दोस्तों, वो धोखेबाज और कोई नहीं बल्कि आइसक्रीम मैन रॉर था। रॉर ग्रैनी और ग्रैंडपा से कहता है कि बाबा को तो मरना ही था, मैं तो बाबा को कब से मारना चाह रहा था, आज जाके मैं बाबा को मारूंगा। गुल्ली और बुल्ली रॉर की सभी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक ग्रैनी गुल्ली और बुल्ली को दरवाजे पे देख लेती है। ग्रैनी रॉर से कहती है, वो देखो गुल्ली और बुल्ली, ये दोनों को भी मैं आज खा जाऊंगी। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। रॉर गुल्ली और बुल्ली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। गुल्ली और बुल्ली जंगल की ओर भागने लगते हैं। रॉर भी उन लोगों को पकड़ने के लिए पीछे पीछे जंगल में जा रहा था। थोड़ा ही आगे जाके गुल्ली और बुल्ली पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ पर रॉर गुल्ली और बुल्ली को जंगल में हर जगह ढूंढ रहा था। अचानक रॉर का ध्यान पेड़ पे जाता है। रॉर को लगता है पेड़ के पीछे कोई हलचल हो रही है और रॉर उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लगता है आज गुल्ली और बुल्ली नहीं बच पाएंगे। तभी ग्रैनी रॉर को पीछे से आवाज देती है और रॉर ग्रैनी के पास चला जाता है। गुल्ली और बुल्ली की जान में जान आती है। ग्रैनी रॉर से कहती है कि कल बाबा का बर्थडे है और आज रात को 12 बजे से ही मेहमान आने चालू हो जाएंगे और आज रात को पार्टी भी है, हमें पार्टी की तैयारी चालू कर देनी चाहिए और आज पार्टी में बाबा और शॉन की बलि चढ़ाएंगे। लगता है आज बाबा और शॉन का आखिरी दिन है। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों अकेले इन लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं।
अब हम बाबा को कैसे बचाएंगे? हमें किसी को तो बुलाना ही होगा। गुल्ली और बुल्ली काफी उदास होकर वहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। उस आदमी को लेने के लिए हमें घने जंगल में जाना पड़ेगा। ग्रैनी और ग्रैंडपा को वही आदमी हरा सकता है। तो गुल्ली कहता है, चलो सबसे पहले हम उधर ही जाते हैं और बाबा के दोस्त को यहाँ बुला के लेके आते हैं। हमने जरा भी देर की तो बाबा और शॉन की जान खतरे में पड़ सकती है। गुल्ली और बुल्ली जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं और उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। उस आदमी का नाम थैनोस था और थैनोस पहले बाबा का ही चेला हुआ करता था। थैनोस गुल्ली और बुल्ली से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुल्ली और बुल्ली थैनोस को पूरी स्टोरी सुनाते हैं और कहते हैं कि बाबा की जान खतरे में है और बाबा को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। थैनोस कहता है कि आज बुड्ढा और बुड्ढी का आखिरी दिन होगा, उन दोनों को तो मैं आज मसल डालूंगा। बुल्ली ने थैनोस से कहा कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, 12 बजे के बाद ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाएगी और बर्थडे पार्टी शुरू होते ही वो लोग बाबा और शॉन को खा जाएंगे। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। थैनोस गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि तुम दोनों मेरे पीछे बैठ जाओ, मैं तुमको उड़ा के ग्रैनी के घर के पास ले जाऊंगा। थैनोस अपनी शक्तियों से उड़कर बहुत ही जल्दी ग्रैनी के घर के सामने आ जाता है। ग्रैनी के घर से जोर जोर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। घर में म्यूजिक की आवाज ऊपर के कमरे में से आ रही थी। थैनोस जल्दी से ऊपर के कमरे की तरफ आगे बढ़ता है। तभी वो दूसरे कमरे में देखता है कि बाबा और शॉन वहां पर बेहोश पड़े हुए हैं। थैनोस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। ग्रैंडपा और ग्रैनी को बहुत ही गुस्सा आता है और ग्रैंडपा थैनोस को चॉक स्लैम दे देते हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली काफी डर जाते हैं। ग्रैनी गुल्ली और बुल्ली से कहती है, तुम्हारे बाबा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तुम लोग बहुत ही बाबा बाबा करते हो ना, अब देखती हूँ कि तुम लोगों को कौन बचाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लोगों को मैं बाद में देखता हूँ, पहले इस थैनोस को मजा चखाता हूँ। तभी रॉड ऊपर से थैनोस पे जंप मारता है। फिर ग्रैंडपा अंदर से तलवार लेके आते हैं और जैसे ही ग्रैंडपा थैनोस को तलवार मारने जाते हैं तभी अचानक तलवार को कोई रोक लेता है। ग्रैंडपा ने देखा कि तलवार को रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि बाबा ही है और तलवार को मोड़ के फेंक देते हैं। ये सब देखकर ग्रैंडपा बहुत ही डर जाते हैं और ग्रैंडपा ग्रैनी के पीछे जाके छुप जाते हैं। बाबा अपनी शक्तियों से ग्रैनी को ही जला देते हैं। ग्रैंडपा और रॉर बाबा से लड़ाई करने जाते हैं। बाबा उन दोनों को एक एक हाथ में उठा के फेंक देते हैं और बाबा ग्रैंडपा की धुलाई करते हैं और बाबा रॉर के पास जाते हैं। रॉर लगातार माफी मांग रहा था। गुल्ली बाबा से कहता है कि रॉर भी हमारा दोस्ती है, हमें रॉर को एक मौका देना चाहिए। रॉर कहता है, मैं आगे कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को शिकायत हो। बाबा रॉर को माफ कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दे और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।